ओके, साउंड इशू था। अब ठीक है, अब ठीक है। मैं इसको फिर से बोल देता हूं। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा, चकाचक मस्त नहा धो के आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहली बात तो हम आज के सेशन में शेड्यूल थ्री करने वाले हैं। सर क्या बात है, शेड्यूल थ्री इतने दिन से चल रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आज आगे बढ़ेगा और आज एक बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है शेड्यूल थ्री पे। बहुत 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 जो डिस्कशन आज आप मेरे साथ इस शेड्यूल थ्री में करने वाले हो ना, ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए जरूरी है। लाइफ टाइम के लिए मतलब ये ना सिर्फ आपके सीए इंटर में, ना सिर्फ सीए फाइनल में, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होना बहुत जरूरी है और हम वो डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आपके पास शेड्यूल थ्री के नोट्स होंगे। शेड्यूल थ्री के नोट्स हैं कि नहीं? शेड्यूल थ्री के नोट्स हैं कि नहीं? शेड्यूल थ्री के नोट्स हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शेड्यूल थ्री के नोट्स टेलीग्राम पे भी अपलोड किए थे। ठीक है, चलिए। तो आज का सर डिस्कशन क्या है? आज का सर डिस्कशन क्या है? आज का डिस्कशन 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 आज का डिस्कशन है यहां पर करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज। आज हमें मेनली डिस्कशन करना है कि सर ये करंट असेट का डेफिनेशन क्या होता है, करंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। इन कुछ बातों को लेकर हमें अभी डिस्कशन करना है। सो बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन डिस्कशन और आपको ये हमेशा के लिए पता होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। आई होप आपके पास आपकी कॉपी किताबें होंगी। अगर आपको कुछ लिखना रहा तो जरूर लिखिएगा। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना हुआ तो जरूर लिखिएगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू कर रहा हूं मैं डिस्कशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करंट असेट्स की। सर करंट असेट मतलब क्या होता है? अगर हम लेमेन लैंग्वेज मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है, बीकॉम का स्टूडेंट है, 11 12th कॉमर्स किया हुआ है, तो वो बोलेगा सर करंट असेट मतलब ऐसी कोई भी असेट जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं है। ऑब्वियसली ये आंसर आएगा। कोई व्यक्ति हो सकता है डिफाइन ना कर पाए तो वो बोलेगा करंट असेट सर मतलब डेटर्स, सर करंट असेट मतलब कैश, सर करंट असेट मतलब इन्वेंट्री। तो हम बोलेंगे अच्छा उस बच्चे ने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिफाइन किया। ठीक है, बट क्या रियली में करंट असेट सिर्फ ऐसी असेट होती है जहां 12 महीने से उसकी अंदर की लाइफ हो? नहीं, ऐसा नहीं। करंट असेट के लिए आपको ये चार बातें बताई गई हैं और ये चार बातों को जब आप पढ़ के खत्म करोगे उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने एक्चुअली कुछ नया समझा करंट असेट के रिस्पेक्ट में। द इंपॉर्टेंट इज सी क्या लिखा हुआ है। एन एंटिटी शेल क्लासिफाई एन असेट एज करंट। एक एंटिटी किसी भी असेट को करंट कब मानेगी? जब, व्हेन। पहला वाला पॉइंट अब मैं जैसे पढ़ूंगा वैसे आपको पढ़ना है, आपको दोहराना है वो चीज, आपको रिपीट करनी है। मैंने पढ़ा तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है। इट मतलब यहां पर एंटिटी, यहां पर इट इट लिखा है, इट इट मतलब एंटिटी की बात कर रही है। इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। आपको नहीं काटना है, मैंने काटा है, मैं वापस से हटाऊंगा इसको, आपको काटना नहीं है। वो सही लिखा हुआ है पर मैंने जानबूझ के काटा है। देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं। इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब फिर से, इट इंटेंड्स टू सेल इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इट इंटेंड्स टू सेल इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब मैं फिर से पढ़ रहा हूं। इट इंटेंड्स टू कंज्यूम इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इट इंटेंड्स टू कंज्यूम, इट इंटेंड्स टू कंज्यूम।
मतलब इस पॉइंट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज, एंटिटी इंटेंड्स टू सेल, ठीक है, इंटेंड्स टू सेल, या फिर लिखा है एंटिटी इंटेंड्स टू कंज्यूम। ये तीन शब्द लिखे हुए और इन तीनों में लिखा हुआ है इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है सर? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब एक ऐसी साइकिल, इस साइकिल को समझना। आज मेरे पास कैश है, कैश इन हैंड है, उस कैश इन हैंड के बेसिस पर, उस कैश इन हैंड के बेसिस पर मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, क्योंकि मुझे मुझे वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है। रॉ मटेरियल को मैं प्रोसेस किया तो वो फिनिश्ड गुड्स बना। क्या बना? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को ऑब्वियसली जब वो बन गया तो मैंने उसको होल्ड करके रखा। ऐसा तो नहीं कि जिस दिन फिनिश गुड्स बनाया वो फिर बिक गया, वो गोडाउन में होल्ड करके रखा, स्टोरेज किया, फिर उसको मैंने सेल किया। जब मैंने उसको सेल किया तो मेरे डेटर्स जनरेट हुए और डेटर से मुझे पैसा मिला वापस। आप ये साइकिल को समझने की कोशिश करिए। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि ऐसी साइकिल जहां पर आप अपना बिजनेस कर रहे हो और कितने पीरियड में आपको आपका पैसा वापस रियलाइज हो जाता है, मतलब आप कितने पीरियड में आप रियलाइज कर लेते हो अपना कैश। आपके पास कैश था, वो बदल गया रॉ मटेरियल में, फिर वो बदल गया फिनिश गुड्स में, उसमें टाइम लगा, फिर वो बदल गया आपके सेल में, आपके अपने गुड्स बेचे, फिर आपको डेटर्स पैसा देंगे बाद में, तो आपका वापस पैसा आ गया। इस पूरे पीरियड में कितना टाइम लगा, आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इसको अपन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एज अ जय चावला चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ टीचर, प्रोफेशनल टीचर, अगर मैं अपनी बात करूं मेरी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है या हमारी वी स्मार्ट एकेडमी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी 6 months। कैसे? हम ये कहते हैं कि भाई 6-6 महीने में अटेम्प्ट आता है, तो हम जब अपनी बुक्स को प्रिंट करवाते हैं तो 6-6 महीने के अकॉर्डिंग करवाते हैं, मतलब हर अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग बुक्स प्रिंट करवाते हैं। हम अपने 6 महीने की डिमांड देख लेते हैं कि यार 6 महीने में हमसे कितने बच्चे क्लासेस लेंगे, हमसे कितने बच्चे बुक्स लेंगे, तो मैं अपनी बुक्स को 6 महीने की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रिंट करवा लेता हूं। अब प्रिंट तो मैं पहले ही महीने में करवा लेता हूं, क्या बुक्स पहले ही महीने में सारी बिक जाती है? नहीं, ये धीरे 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 सेल होती जाती है, धीरे धीरे सेल होती जाती है। फिर सेल होती है, सेल किसको होता है, सेल कौन करता है? वी स्मार्ट करता है फैकल्टी के बिहाफ पे। वी स्मार्ट ने पैसा ले लिया बच्चे से, अब फैकल्टी को क्या होता है, फैकल्टी को वी स्मार्ट से शेयर मिलता है। तो फैकल्टी को वी स्मार्ट से शेयर मिलते 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 मान लो 6 महीने लग गए, क्योंकि वो 6 महीने का पूरा पूरा बैच कंप्लीट हो गया, तो हमें हमारे पैसे 6 महीने में रियलाइज हो जाते हैं। मतलब जो पैसा मैंने खर्च किया था बुक्स में, जो मैंने पैसा खर्च किया था अदर चीजों में, क्लासेस को बनाने के लिए, बुक्स को प्रिंट करने के लिए, वो पैसा मुझे वापस रियलाइज हुआ आफ्टर 6 months, टेंटेटिवली विद इन 6 months। तो मैं कहूंगा कि मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितनी है, 6 महीने। अब ये मत पूछना कि वी स्मार्ट से मेरे को कितना शेयर मिलता है, ठीक है ना, बहुत ही कम मिलता है। हम क्या कमाते हैं, हम तो सभी बच्चों के लिए एक तरीके से CSR करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मेरे को मेरी अगर ऑपरेटिंग साइकिल गिननी हो तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने में। अगर अब इन 6 महीनों को मैं ध्यान दूं, मान लो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 6 months की है, तो अगर मैं इस 6 months को ध्यान दूं तो मैं बोलूंगा, इसको पॉइंट को मैं कैसे पढ़ूंगा, एक असेट विच इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज। आप जानते हो ये किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डेटर्स के रिस्पेक्ट में, ये बात कर रहा है डेटर्स के रिस्पेक्ट में। रियलाइज, अगर आपके पास, अगर आपको किसी से पैसा लेना है, अगर आपके पास कोई रिसीवेबल्स है, अगर आपके कोई रिसीवेबल्स हैं, तो आप ये चेक करिए कि आपका पैसा कितने पीरियड में आएगा। अगर आपका पैसा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आ जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपको पैसा विद इन 6 months मिल जाएगा, 6 months इज माई नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इट इज माई एग्जाम्पल, तो अगर मेरा पैसा मुझे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में मिल जाएगा,
एक्सपेक्ट टू रियलाइज, यहां पर रियलाइज मतलब डेटर्स, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये जो मेरे रिसीवेबल्स हैं ये मेरे करंट असेट्स हैं। बट मान लीजिए मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ्स है, जबकि मैं मुझे लग रहा है कि मेरा जो एक पर्टिकुलर डेटर है मुझे वो 6 मंथ्स में पैसा नहीं देगा, वो मुझे 8 मंथ्स के बाद पैसा देगा, तो मैं उसको नॉन करंट मानूंगा। मैं उसको बोलूंगा ये मेरा नॉन करंट है, क्योंकि मेरे को विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे पैसा रियलाइज हो जाए। दूसरा सेम केस में यहां लिखा है इंटेंट्स टू सेल। अब जैसे ही वर्ड बदल गया इंटेंट्स टू सेल, तो यहां पर बात हो रही है फिनिश गुड्स की, यहां पर बात हो रही है इन्वेंट्री की, कि अगर आपके पास इन्वेंट्री रखा है तो आपका क्या क्या इंटेंशन है, आपको क्या लगता है आप क्या उसको विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बेच दोगे? मैं बोल रहा हूं हाँ आराम से। जैसे मेरी बुक्स, मैंने बुक्स कितने महीने के हिसाब से छपवाई, मैंने 6 मंथ्स के हिसाब से बुक्स मैंने प्रिंट करवाई, तो मुझे पता है कि मैं विद इन 6 मंथ्स में बुक्स को, प्रिंट की हुई बुक्स को मैं सेल कर दूंगा, मेरे पास कोई ज्यादा स्टॉक बचेगा नहीं, मतलब विद इन 6 मंथ्स में इंटेंशन है मेरा सेल करने का, तो डेफिनेटली। अच्छा यहां पर वर्ड देखो, ऊपर वर्ड क्या यूज किया है एक्सपेक्ट, और नीचे क्या यूज किया है इंटेंट। एक्सपेक्टेशन क्योंकि मेरे को पार्टी से पेमेंट लेना है, मेरे को किसी डेटर से पेमेंट लेना है, तो इसका मतलब यहां पर मेरे को सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोल थोड़ा बहुत सामने वाले के हाथ में भी है। जबकि यहां का वर्ड क्या यूज किया है इंटेंशन, क्योंकि यहां पर गुड्स मेरे पास ही रखे, मेरा क्या इंटेंशन है, मैं जानता हूं मैं तो इसको बेच कर रहूंगा, मेरा इंटेंशन है कि 6 महीने में निकाल लूंगा, मतलब मेरी ऑपरेटिंग साइकिल में निकाल लूंगा, मेरे लिए वो जो फिनिश गुड्स है वो मेरी इन्वेंट्री जो है वो करंट असेट है। दूसरा अगेन इंटेंशन, किस चीज का इंटेंशन, इंटेंशन टू कंज्यूम, कंज्यूम किस रिस्पेक्ट में, कंज्यूम है रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में, कंजम्पशन है रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में, क्या मुझे लगता है कि मैं अपने रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर लूंगा, कंज्यूम का किस लिए कंज्यूम करूंगा, प्रोसेस करने पर ताकि मेरे फिनिश गुड्स बन पाए, मेरे पास जो रॉ मटेरियल है क्या मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा। सर मेरे केस में रॉ मटेरियल क्या होगा, मैं अपनी बुक्स को प्रिंट करवाता हूं, तो बुक्स को प्रिंट करवाने के लिए पेपर की जरूरत पड़ती है, A4 साइज के पेपर की जरूरत पड़ती है, A4 साइज, A3 साइज जो मेरी चार्ट बुक आती है। मान लीजिए मैं ऐसा करता नहीं हूं, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज मैंने पेपर, प्लेन पेपर भी बल्क में परचेज करके अपने पास स्टॉक बना लिया, क्या वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, हाँ, क्या वो मेरे लिए फिनिश गुड्स है, नहीं, मैं उसको थोड़ी बेचूंगा, मैं उसको कंज्यूम करूंगा। क्या मेरा इंटेंशन है कि जितना मैंने बल्क में रॉ मटेरियल खरीदा है मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब मेरे मैं अपनी प्रिंटिंग कंप्लीट कर लूंगा, हाँ मेरा इंटेंशन है कि मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा, कंज्यूम मतलब मैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो इसका मतलब मैं उसको क्या मानूंगा, मैं उसको अपना करंट असेट मानूंगा। यहां तक मुझे बताओ बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं इस पॉइंट को कैसे पढ़ रहा हूं, एक बार कैसे पढ़ रहा हूं, फिर दूसरी बार कैसे पढ़ रहा हूं, सुनिए ध्यान से देखिएगा। इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट, जैसे मैं बोलूंगा एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज मतलब डेटर्स, इंटेंट्स टू सेल द असेट, इंटेंट्स टू सेल मतलब फिनिश गुड्स, इंटेंट्स टू कंज्यूम द असेट, इंटेंट्स टू कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्या एंटिटी अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर असेट को रियलाइज कर लेगी, क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या एंटिटी कभी अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर इन्वेंट्री को सेल या कंज्यूम कर लेगी, ये उसका इंटेंशन है? हाँ, तो ऐसे केस में वो जो करंट, वो जो असेट होगी उसको आप करंट असेट बोलोगे, क्योंकि वो विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो जाएगी। आया मेरी बात समझ में? अब मुझे बताइए कि इसमें आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति बताओ? आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, एक्सपेक्ट टू रियलाइज द असेट, इंटेंट्स टू सेल द असेट, इंटेंट्स टू कंज्यूम द असेट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो क्या क्या था, एक्सपेक्ट टू रियलाइज द असेट और इंटेंट्स टू सेल और कंज्यूम द असेट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। बच्चों मुझे जवाब चाहिए आप सबसे, और मुझे आपका एक्टिवनेस दिखना चाहिए कि यस आप मेरी बातों को सुन रहे हो और आप प्रॉपरली समझ पा रहे हो। इस पॉइंट में किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तब तक मैं आगे चलता हूं। इस पॉइंट में आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं तब तक आगे चल रहा हूं। इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली। अब ये देखो नया आ गया, ये सर नया आ गया, सर क्या नया आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों बस मुझे यही चाहिए, आपका एक्टिवनेस चाहिए, आपको मुझे रिप्लाई जरूर करना है जिस टाइम पे मैं आपसे पूछूं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मुक्ता, बिंदु, ऋषि, सुनीता, तहा, शिवम, वेरी गुड। इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। सर अब ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है? एक तो ना ट्रेडिंग पढ़ के समझ में आता है, अच्छा 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 गुड्स की बात चल रही होगी, फिर दिमाग लगता है यार गुड्स की बात तो ऊपर हो गई,
इंटेंट्स टू सेल, ये गुड्स ही तो थे, इंटेंट्स टू कंज्यूम ये भी तो रॉ मटेरियल गुड्स थे, तो नीचे फिर से ये गुड्स क्यों आ रहे हैं? नहीं, आप गलत समझ रहे हो, यहां पर बात गुड्स की नहीं हो रही, यहां पर बात इन्वेंट्री की नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट्स की, यहां पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट्स की। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग, आप में से कुछ लोग होंगे या फिर आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एटलीस्ट सुना होगा कि हम इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग होती रहती है, इक्विटी शेयर्स, आपने कभी इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग की है, आपने कभी किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, या अगर आपने परचेज नहीं किए तो आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट से शेयर परचेज किए जा सकते हैं। क्या आप में से ऐसे लोग हैं जो इक्विटी की ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए, ऐसे कुछ लोग हैं जो इक्विटी की ट्रेडिंग करते हैं, या आपके घर में अगर हो सकता है कोई हो, टेल मी। वेरी गुड, मुक्ता ने बोला यस सर, राहुल ने बोला यस सर, अच्छा जी। तो आप एक बात बताओ, जब आप इक्विटी शेयर किसी कंपनी के खरीदते हो तो क्या इंटेंशन से खरीदते हो, आपका इंटेंशन क्या होता है? If it is not sold or consumed within normal operating cycle, then like closing stock. अंशिका, मैं आपके सवाल पे वापस आऊंगा थोड़ी देर बाद। No sir, सुना है। Yes sir, करते हुए देखा है sir. Very good. Yes sir, सुना है। Very good. तो एक बात बताइए, जिन जिन लोगों ने सुना है या करते हुए देखा है या जिन्होंने specially किया है trading, intention क्या क्या हो सकता है, क्या इंटेंशन होता होगा आपका, मुझे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए आपका क्या इंटेंशन होता है। आपने रिलायंस कंपनी का शेयर परचेस किया, आपका क्या इंटेंशन है, क्या आपका इंटेंशन यह है कि मैं लगभग 2-4 साल 5 साल तक तो इसको नहीं बेचूंगा, या आपका इंटेंशन है कि यार जिस टाइम पे मुझे लगा कि शेयर वापस से बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है, मैंने सस्ते में ले लिया, बढ़ रहा है भैया बेच दो, भले वो 4 दिन बाद लगे या 40 दिन बाद लगे, मैं तो उसको इमीडिएटली बेच दूंगा, क्या इंटेंशन होता है आपका? वैल्यू बढ़ेगी तो सेल कर दे, वेरी गुड, टू सेल इट एंड अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट होल्ड करके रखें कुछ टाइम, वेरी गुड, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मोर प्रॉफिट। मतलब देखो यहां पर मिक्स फीलिंग आ रही है, किसी ने जनरली बोला टू अर्न प्रॉफिट, ये तो बात फैक्ट है, टू अर्न प्रॉफिट इज द प्राइम मोटिव, पर प्रॉफिट अर्न करना कैसे, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, मैं आपसे वो पूछ रहा हूं कि प्रॉफिट अर्न करने का तो इंटेंशन है, पर आपका इंटेंशन क्या है, आप उसको इमीडिएटली सेल करना चाहते हो कि आप ये भूल ये करना चाहते हो कि नहीं हम तो भाई रखे रहेंगे इस स्टॉक को, हम इसको इसको बहुत सालों तक नहीं बेचेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। जिन लोगों का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है ना कहीं वो उस शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब खरीदा कुछ दिन में बेच दिया, फिर खरीदा फिर बेच दिया, फिर खरीदा फिर बेच दिया, बेसिकली वो उन शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो उन शेयर्स को होल्ड करने का नहीं सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म पीरियड तक। तो ऐसे केस में अगर ऐसी कोई असेट है, इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली, प्राइमरली मतलब आपका मेन इंटेंशन, प्राइमरली मेन मोटिव फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, अगर आपका ट्रेडिंग पर्पस है, प्राइमरी ट्रेडिंग पर्पस है, आप जनरली शेयर्स को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड नहीं करते हो, ट्रेडिंग पर्पस है, तो जनरली ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, आपका वो करंट असेट होगा, आपके केस में वो करंट असेट होगा। आई बात समझ में कि नहीं? डिविडेंड एजीएम में जाके गिफ्ट लेकर आना, हाँ बहुत सारे तो शेयर होल्डर यही करते हैं, चलो यार एक काम करते हैं शेयर खरीद लेते हैं, एजीएम का वेट करते हैं, एजीएम का नोटिस, ओ भाई टिकट करवाओ, जाओ एजीएम में मस्त समोसा कचौड़ी खाएंगे, डिनर करेंगे, दारू वारू पियेंगे, एजीएम में मस्त खाना पीना खिलाएगा और मस्त 4 गालियां भी देंगे, सामने वालों को सुननी पड़ेगी। आपने लिखा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इट मींस अगर आप सिचुएशन ऐसा है कि आप बोल रहे नहीं यार मैं तो इसको खरीदूंगा बेचूंगा, तो ऐसे केस में वो आपका हुआ होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। सो गाइस ऐसे केस में जनरली हम इन्वेस्टमेंट्स को कहां रखते हैं, करंट असेट्स में रखते हैं। मैंने एग्जांपल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का क्यों दिया है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने लास्ट क्लास में आपको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझाया था, अगर आपने नहीं सुना था तो मैं फिर से बता देता हूं कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। जैसे हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो हमें वो इक्विटी शेयर्स की डिलीवरी हो जाती है हमारे डीमेट अकाउंट में, आपने सुना होगा डीमेट अकाउंट। अब ये सर डीमेट अकाउंट क्या है, सर होता ये था कि आपने अगर स्कैम 1992 देखा होगा, किसी ने देखा स्कैम 1992, हाँ स्कैम 1992 देखा है आपने, स्कैम 1992 हर्षद मेहता
हाँ, उसमें क्या था, हर्षद मेहता में अगर आपने देखा हो तो उस टाइम पे, उस जमाने में 1992 के जमाने में आपने देखा होगा शेयर्स के सर्टिफिकेट बनते थे और वो सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होते थे। उसने बोला भी है कहीं कहीं बीच बीच में, आपको ऐसा सुना ही दिया होगा कि अरे वो शेयर सर्टिफिकेट तो उस रूम में बंद है, वो तो ताला है और वो कहीं भाग गया है, वो हमारा अकाउंटेंट कहीं भाग गया है, छुट्टी पे चला गया है, उसको एक्चुअली छुट्टी पे भेज दिया गया था, ठीक है ना। शेयर सर्टिफिकेट ये इधर कैसे ट्रांसफर हो गए, इनके नाम पे कैसे ट्रांसफर हो गए, या ऐसे आपने नाम सुने होंगे, वो शेयर सर्टिफिकेट दिखाए भी गए हैं, मतलब एक लिफाफे में दिखाए गए हैं, आपको ध्यान होगा। तो बेसिकली पहले के जमाने में शेयर की डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी होती थी सर्टिफिकेट के फॉर्म में, सर्टिफिकेट के फॉर्म में फिजिकल डिलीवरी होती थी, मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब मैं उसका शेयर होल्डर हूं। आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, ये शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, किस फॉर्म में होता है, डीमेट फॉर्म में होता है। सर ये डीमेट फॉर्म क्या होता है, इट इज एज गुड एज, आप ये समझो कि जब आपका पैसा आप बैंक में जाके जमा करते हो, जब आपका पैसा आप बैंक में जाके जमा करते हो, ठीक है ना, और पासबुक में आप एंट्री चेक करते हो कि हाँ मेरा पैसा इतना बैंक में जमा है, तो क्या ये सच्ची मुच्ची ऐसा होता है क्या कि बैंक में एक लॉकर होगा आपके नाम का, उस लॉकर को वो बैंकर खोलता होगा और आपके गड्डियां डाल देता होगा और लॉकर को बंद कर देता होगा, फिर आप जब आओगे तो उस लॉकर से निकालोगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक आपसे वो पैसे ले लेता है और वो बता देता है कि ठीक है हमने आपके पैसे ले लिए। अब आपके पैसे जरूरी नहीं कि बैंक के पास कैश के फॉर्म में रखे हो, आपके पैसे कहीं ना कहीं बैंक इधर उधर लोन बांटता देता है, कुछ ना कुछ कर लेता है, बट आपको ये पता रहता है कि मेरा पैसा बैंक में रखा है, ठीक है ना, फिजिकली नहीं रखा है, वर्चुअली रखा है, जब भी मैं जाऊंगा मैं अपना पैसा निकलवा लूंगा, दैट्स इट। बैंक को तो देना पड़ेगा, बैंक कहीं से भी दे। वैसे ही डीमेट अकाउंट ये होता है कि अगर आपने कंपनी से शेयर खरीदा है तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको उस शेयर की डिलीवरी हो जाती है आपके अकाउंट में, वर्चुअली। वर्चुअली मतलब फिजिकली नहीं, वर्चुअली। वर्चुअली मतलब जैसे मैं अभी आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूं, क्या आप मुझे देख पा रहे हो, देख तो पा रहे हो, तो क्या आप मुझे छू सकते हो, नहीं आप मुझे छू नहीं सकते हो, सिर्फ आप मुझे महसूस कर पा रहे हो कि हाँ मैं आपसे पढ़ रहा हूं। वैसे ही शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपको उसको स्टेटमेंट के थ्रू दिखेगा कि हाँ मेरे अकाउंट में शेयर है, आप उसको देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, आप उसको छू नहीं सकते हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसको कहते हैं डीमेट अकाउंट। आई बात समझने की? नहीं। सो डीमेट अकाउंट जो होता है, डीमेट अकाउंट उसको फुल फॉर्म बोलते हैं, डीमेटलाइजेशन। सो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर हो गए, चलेगा, ठीक है, इतनी क्लियर बात। इसका मतलब शेयर की आपको डिलीवरी मिल गई, वर्चुअल डिलीवरी मिल गई। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स का मतलब ऐसे कुछ चीजों में इन्वेस्ट करना जहां पर आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलने वाली। आप फिजिकल डिलीवरी एक्सपेक्ट मत करिएगा, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना। जैसे अगर मैं आज ये कहूं, अगर मैं आज ये कहूं कि सर मैं निफ्टी में पैसा लगाना चाहता हूं, मैं किस में पैसा लगाना चाहता हूं, निफ्टी में पैसा लगाना चाहता हूं, और निफ्टी चल रहा है मान लीजिए 12,120 रुपए पर, निफ्टी आज चल रहा है, 12,120 रुपए नहीं होते, 120 पॉइंट होते हैं, निफ्टी चल रहा है आज 12,120 पॉइंट पर, और मैं बोलूंगा कि मैं पता है क्या बोल रहा हूं, मैं ब्रोकर के पास गया और मैंने बोला मुझे निफ्टी में पैसा लगाना है, ब्रोकर पूछेगा क्या, किस टाइप का लगाना है, मतलब आप क्या सट्टा लगाना चाहते हो, निफ्टी बढ़ेगा उस पर पैसा लगाना चाहते हो कि निफ्टी गिरेगा उस पर। तो मैंने बोला देखना आने वाले साल में निफ्टी, मतलब आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर निफ्टी और बढ़ेगा, मेरा अंदाजा है निफ्टी बढ़ने का, अगर निफ्टी कल को बढ़ गया तो मैं जीत जाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा, अगर निफ्टी गिर गया, मैंने तो बढ़ने पर पैसा लगाया था, निफ्टी गिर गया तो मैं हार जाऊंगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा। इन सब में क्या निफ्टी की मुझे डिलीवरी होगी? नहीं, निफ्टी की डिलीवरी नहीं होगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मुझे निफ्टी की डिलीवरी नहीं होगी, मुझे डिलीवरी नहीं होगी, डिलीवरी चाहिए भी नहीं, मैंने सिर्फ पैसा लगाया उसके ऊपर। तो डेरिवेटिव एक तरीके से सट्टा बाजार होता है, सट्टा बाजार मतलब लीगल सट्टा होता है जहां पर आप पैसा लगाते हो, और डेरिवेटिव हमेशा ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही की जाता है, डेरिवेटिव कभी भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं होते हैं, सट्टा कभी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं लगता। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये होता है आपका डेरिवेटिव। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, आपको समझ में आया होगा। इससे इसके साथ हमने 2 पॉइंट्स अभी हमने कवर किए कि किसी भी असेट को करंट असेट कब बोलते हैं। पहला, व्हेन द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज मतलब रिसीवेबल्स, Intends to sell मतलब finish goods, intends to consume मतलब raw material in its normal operating cycle. दूसरा, when it holds the asset primarily for the purpose of trading, हमने उसको trading purpose के लिए hold किया है, हमने उसको long term holding purpose से hold नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये 2 बातें। अंशिका का कुछ doubt था,
इफ इट इज नॉट सोल्ड और कंज्यूम विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल देन लाइक क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो क्या है, आपका मुझे डाउट पूरी तरीके से तो समझ में नहीं आया अंशिका, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं इसको दूसरी तरीके से समझाने की। सर मैंने बोला कि मैं मेरी बुक्स को सेल कर दूंगा विद इन सिक्स मंथ, मेरा इंटेंशन है सेल करने का विद इन सिक्स मंथ, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है, मेरा ये करंट असेट है। सर मान लीजिए छह महीने में आप अपनी पूरी बुक सेल नहीं कर पाए, अब क्या करोगे आप? सी नहीं कर पाया वो एक डिफरेंट चीज थी, मेरा इंटेंशन क्या था, वर्ड पे जाओ इंटेंशन, मेरा इंटेंशन क्या था, विद इन माई नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आई विल बी एबल टू सेल इट। अंडरस्टूड और नॉट? छह महीने बाद मैंने इसको सेल, मैंने देखा कि यार 1000 बुक प्रिंट करवाई थी, 1000 में से 800 बेच दी, 200 पड़ी होगी, अब ये 200 बुक पड़ी है। मैंने बोला अब इनमें 200 बुक्स का क्या करूंगा, इसमें इसमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। पहला ये चलो ठीक है, छह महीने में नहीं बिक पाई, आने वाले अगेन छह महीने में फिर से बिक जाएगी, टेंशन नहीं है, ठीक है इंटेंशन था कोई बात नहीं, पर अभी तो 200 है आराम से बिक जाएंगी, स्टिल मैं इसको करंट बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टिल इसकी आज डिमांड है। दूसरा यार इस बुक की तो डिमांड ही नहीं है, इस बुक की भाई कोई डिमांड नहीं है, मतलब मुश्किल से कोई अगर खरीदेगा तो खरीदेगा, नहीं तो कोई डिमांड नहीं है। हालांकि बुक्स बिल्कुल अच्छी हैं, इन बुक्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर बुक्स की डिमांड बहुत कम है। तो मैंने बोला यार छह महीने हो भी गए, बुक्स की डिमांड भी बहुत कम है, अब मेरे को लगता है कि यार छह महीने तो नहीं, मतलब विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल नहीं, मैं इन बुक्स को बेचते बेचते 2 साल लग जाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या मेरे लिए बुक्स करंट असेट है? नहीं, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत कम है, तो मुझे पता है कि मेरा इंटेंशन इसको बेचने का आने वाले छह महीने के अंदर अंदर इसको इंटेंशन बेचने का नहीं है। मैं मेरा मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं इसको होल्ड करके रखूंगा और आगे चल के 1 साल बाद बेचूंगा। यह भी हो सकता है कि मैंने ये बुक्स को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया और मैंने बोला कि मैं इसको 1 साल बाद निकालूंगा, क्योंकि 1 साल बाद इसकी वापस से डिमांड आएगी, तो मैं अभी इसको आउट ऑफ स्टॉक करके इसको साइड कर देता हूं इस स्टॉक को। ऐसा भी कई बार होता है जब ट्रेडर अपने स्टॉक को साइड कर देता है इस पर्पस के लिए कि यार वो बाद में बेचेगा, बाद में इसकी डिमांड आ सकती है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला कि यार मेरा इंटेंशन इसको विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बेचने का नहीं है, मैंने प्रोडक्ट बना के रखा है पर इसको मैं बेचूंगा नहीं विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मैं इसको बाद में बेचूंगा After 12 months, after my normal operating cycle, ऐसे केस में वो मेरी non-current asset हो जाएगी। तो बेटा यहां पर आपको ये समझना है कि entity का intention क्या है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है entity का intention क्या है। अगर मेरा intention है कि मैंने product बना के तैयार कर लिया है पर मुझे उसको बेचना ही नहीं है, मैं उसको बेचूंगा 1 साल बाद। क्यों? 1 साल बाद देखना क्या खतरनाक मार्केट होता है, अभी मार्केट खराब है, अभी मार्केट प्रॉपर नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आज इसकी डिमांड नहीं आएगी। अगर आज मैंने इसको मार्केट में लॉन्च भी कर दिया तो ये प्रोडक्ट फेल हो जाएगा और मैं वो नहीं करना चाहता हूं, मैं 1 साल की डिले कर लूंगा बट मैं बाद में बेचूंगा, इट इज माई नॉन करंट असेट। अंडरस्टूड और नॉट? थर्ड पॉइंट वापस से आ गया, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सर ये रिपोर्टिंग पीरियड मतलब? बेटा रिपोर्टिंग पीरियड मतलब जनरली 1 साल, रिपोर्टिंग पीरियड मतलब 1 साल, आपका 12 मंथ्स का एनुअल पीरियड, बट मैंने बोला जनरली 1 साल, कभी कभार रिपोर्टिंग पीरियड, कभी कभार क्या, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनको अपनी बैलेंस शीट हर 3-3 महीने में बना के सबमिट करनी पड़ती है आरओसी को और सेबी को। जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको हर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, हर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रैल से जून तक बनाता हूं तो 30th जून विल बी माय बैलेंस शीट डेट और अप्रैल टू जून विल बी माय रिपोर्टिंग पीरियड। माय रिपोर्टिंग पीरियड इज 30th, माय रिपोर्टिंग पीरियड इज अप्रैल टू जून। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि 12 महीने के अंदर अंदर मुझे रियलाइज हो जाएगा। अब सर यहां पर कौन से असेट आते होंगे? यहां पर जनरली लोन टाइप के असेट आते होंगे, एडवांसेस टाइप के असेट आते होंगे, हमने किसी को एडवांस दे दिया, हमने किसी को लोन दे दिया, हमें वो रिकवर हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स। कब से? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, जैसे ही मेरा पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद के 12 महीने। मतलब यहां पर आज मैं कह सकता हूं 30th जून को कि यहां 30th जून 2020 से लेकर 30th जून 2021, मुझे लगता है कि मेरा पैसा 30th जून 2021 तक आ जाएगा वापस, तो मैं आज इस लोन को, इस एडवांस को मैं अपना करंट असेट बोलूंगा। आई मेरी बात समझ में? मैं इसको अपना करंट असेट बोलूंगा। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर कट समझ में आ गया होगा।
बच्चों जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर तीन पॉइंट्स, मैं तीनों पॉइंट को रिपीट करूंगा और मेरे साथ साथ नालायक बच्चों जल्दी जल्दी रिपीट करते जाना। मैं जब नालायक बोल रहा हूं इसका मतलब आप मेरे दिल के करीब हो, इसको गलत में मत लेना। हो बच्चों जल्द चलो जल्दी जल्दी बोलो यहां पर क्या है करंट असेट का मतलब। अभी फोर्थ पॉइंट बचा हुआ है, फोर्थ पॉइंट बचा हुआ है, तीन पॉइंट्स का मतलब क्या है हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं फिर से। पहला, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज, इंटेंड्स टू सेल, इंटेंड्स टू कंज्यूम इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सर एक बात बताइए, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा हो सकती है? यस, 12 महीने से ज्यादा भी हो सकती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा हो सकती है, मतलब 14 मंथ्स, 16 मंथ्स, 18 मंथ्स, 20 मंथ्स हो सकती है। सर कैसे, सर कैसे, सर कैसे हो सकती है? आपका बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। मान लीजिए आप हवाई जहाज बनाते हो, आप एयरक्राफ्ट बनाते हो, आप शिप बनाते हो, आपको एक पर्टिकुलर शिप बनाते बनाते इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, 14-15 महीने लग जाता है, उसके बाद आप उसको बेचोगे पैसा रियलाइज होगा 2 साल लग जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स, रियल एस्टेट मार्केट साला आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल एक एक साल का नहीं होता। रियल एस्टेट बोलो जो आपके बिल्डर्स होते हैं, क्या बिल्डर के लिए क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल का होता है? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्डर के लिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी एक प्रोजेक्ट पे, अगर वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, अगर वो जानता भी है कि मैं 2 साल में कंप्लीट कर लूंगा, तो पहली बात तो वो 2 साल में कंप्लीट कर नहीं पाता। और जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स, वो तो 3-3, 4-4 साल लगा लेते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। फिर 4 साल बाद फिर वो मतलब कुछ कुछ बिके, कुछ नहीं बिके, फिर और बेचो, ऐसे करते करते 5 से 6 साल हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। आई बात समझ में कि नहीं? हो सकता है आप दारू बेचते हो। हाँ दारू सर, मजा आ गया सर, क्या बात कर रहे हो, दारू, हाँ आप हो सकता है दारू बेचते हो, आप वाइन बना के बेचते हो। अब वाइन बना के बेचने में आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दारू जितनी पुरानी उतनी ज्यादा अच्छी। आपने दारू की बॉटल पे देखा होगा लिखा होता है 8 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, जितनी दारू पुरानी उतनी मस्त। सही बता रहा हूं, उतनी मस्त। अपने पप्पा से पूछ लेना, पप्पा कुछ और बोले ना बोले एक थपाड़ा जरूर मार के दे देंगे कि क्या पूछ रहा है मुझसे। मेरा नाम मत लेना कि जय सर ने बोला था पूछना, नहीं तो मेरे पास भी आके मुझे भी थपाड़ा मारेंगे। सो यहां पर अगर मान लीजिए एक कंपनी लिकर बनाती है, विस्की बनाती है, और वो जानती है कि हमने लिकर को बना तो लिया पर हम उसको बेचेंगे ही नहीं। हम बेचेंगे ही नहीं यार, हम क्यों नहीं बेचेंगे? अभी हम उसको आफ्टर 6 ईयर्स बेचेंगे, क्योंकि 6 साल बाद उस दारू की टेस्ट रहेगा, उसको पीने के बाद उसका टेस्ट आएगा। तो हो सकता है वो पर्टिकुलर दारू के लिए उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 6 ईयर्स का हो। अंडरस्टूड और नॉट? सो द पॉइंट इज कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जनरली नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर अंदर होता है जनरली, बट डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। दूसरा, इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। जहां पर यहां एक वर्ड आ जाए ट्रेडिंग पर्पस, तो आप समझ लेना कि यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है, यहां पर इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है, यहां पर डेरिवेटिव्स की बात चल रही है। तीसरा पॉइंट, एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये यहां पर बात चल रही है आपके एडवांसेस की, लोन्स की। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट? टेल मी, यहां तक आपको कोई डाउट? डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है? यस, डेफिनेशन एग्जाम में आती है, यस आती है डेफिनेशन एग्जाम में केतन, डेफिनेशन एग्जाम में आती है। और अगर एग्जाम में नहीं भी आती है तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? क्योंकि इस डेफिनेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, द असेट। अब देखो क्या बोल रहा है, एन एंटिटी शैल क्लासिफाई एन असेट एज करंट व्हेन The asset is a cash or cash equivalent. आगे मत पढ़ना, आगे मत पढ़ना, आगे मत पढ़ना, आगे मत पढ़ना, आगे मत पढ़ना। ये बोल रहा है किसी भी asset को current asset बोलेंगे अगर वो asset cash and cash equivalent हो। सर ये cash
एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? इसमें आता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, इसमें आता है बैंक बैलेंस, इसमें आता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड। आपने कुछ सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जो कि हाईली लिक्विड है, मतलब उनकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा नहीं है, उनकी लाइफ 3 मंथ से ज्यादा नहीं है, विद इन 3 मंथ आप उनको रियलाइज कर लोगे कैश के फॉर्म में, विल बी रियलाइज्ड इन कैश, वो कैश में रियलाइज हो जाएंगे। हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड का मतलब जब आप बेचोगे आपको कैश मिल जाएगा, टेंशन नको, ठीक है। हाईली लिक्विड मतलब इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी, हाईली लिक्विड मतलब इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये सब आता है, आई बात समझ में कि नहीं? इवन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एफडी भी आ सकती है, मैंने बोला आ सकती है, एफडी फिक्स डिपॉजिट। सर फिक्स डिपॉजिट कैसे आएगी? मान लीजिए आपने एफडी किया 6 महीने का, 6 महीने का एफडी किया, बट एफडी ऐसा है कि बैंक ने आपको बोल दिया आपको सर 1 महीने बाद भी चाहिए होना बता दीजिएगा, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। एफडी आपने करवा ली बट आप जितना जिस दिन चाहो आपको आपके पैसा एफडी का वापस मिल जाएगा, ऐसा है, मान लो आपका एफडी का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे केस में आपका एफडी भी करंट असेट मानी जाएगी, मतलब वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानी जाएगी, क्लियर? तो सर फिर से पढ़ते, अगर वो असेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो आपकी वो करंट असेट होगी। अब आप बोलोगे सर इसके लिए क्या दिक्कत है, वो तो हमें पहले से ही पता था कैश और कैश इक्विवेलेंट तो करंट असेट होता है, इसमें सर उसने नया क्या बताया? नया बताया ये, और ये आपको पढ़ना है और मुझे बताना है कि ये क्या नया है। अनलेस द असेट मतलब वही कैश इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बींग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड समझ गए होगे, अप्रैल टू जून या अप्रैल टू मार्च, मार्च एंडिंग के बाद 12 मंथ्स। क्या बोला गया यहां पर? रेस्ट्रिक्शन की बात चल रही है, मुझे बताइए, मुझे इस पॉइंट को समझा के बताइए क्या इस पॉइंट का मतलब होता है। मैं पूछ रहा हूं, पूछता है जय चावला आपसे, पूछता है जय चावला आपसे कि बताइए इस येलो पॉइंट का मतलब क्या है, जल्दी बताइए इस येलो पॉइंट का मतलब क्या है। मॉर्गेज, जब स्टॉक कॉलेट्रल सिक्योरिटी, बेटा स्टॉक की बात ही नहीं चल रही, यहां पर बात चल रही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। ये बोल रहा है व्हेन द असेट इज अ कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस द असेट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी। मैं कह रहा हूं आपके पास कैश रखा हुआ है, आपके पास बैंक में पैसा रखा हुआ है, क्या आपके लिए वो करंट असेट है कि नॉन करंट? प्राइमा फेसी करंट असेट है सर, पर अगर मैं आपको कह दूं कि वो कैश आप यूज नहीं कर सकते हो, मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, मैंने बोला बैंक में जो पैसा रखा है आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, किसी भी पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हो, आपको अगर कोई असेट खरीदनी है, आपको किसी को पेमेंट करना है, आपको कोई लायबिलिटी सेटल करनी है, आप अपने बैंक बैलेंस को यूज नहीं कर सकते हो, हमने आपके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है,
आपने कोई कांड किया, आपने कुछ किया, आपके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया, और सीज किया गया है पूरे पूरे 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए। बताइए आपका पैसा आपके बैंक में रखा हुआ है, पर क्या आप उसको यूज कर पा रहे हो? द आंसर इज नो। Why? It has been seized by income tax department. मान लीजिए income tax department ने आपके घर पे या आपके premise पे आप search and seizure operation लगाया, छापा मारा और उसमें cash को भी seize कर दिया और bank आपका bank account भी seize करवा दिया गया क्योंकि आपने पिछले 4 साल का tax नहीं pay किया। अब आप केस लड़ने जा रहे हो, आप जा रहे हो ट्रिब्यूनल में केस लड़ने, कमिश्नर के पास आप हार गए, आप ट्रिब्यूनल में केस लड़ने जा रहे हो। आप जानते हो कि ये केस तो बहुत सालों चलेगा पर आपका जो सीज अकाउंट है वो सीज रहेगा मिनिमम 12 महीने के लिए। क्या हो गया? क्या अब आप वो बैंक बैलेंस, क्या वो जो कैश था, अब आप उसको यूज कर पाओगे विद इन 12 मंथ्स? आप उसको यूज कर पाओगे अपनी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए? नहीं। तो ऐसे केस में वो जो बैंक बैलेंस है, वो जो कैश आपके से सीज हो गया है, वो आपका नॉन करंट असेट है। Yes, वो आपका असेट है आज भी क्योंकि वो सीज हो चुका है, अभी प्रूव नहीं हुआ है कि आपका वो असेट नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, उसमें से आपसे टैक्स लिया जाएगा, बाकी तो पैसा आपको वापस किया जाएगा ना। तो इसका मतलब वो जो पैसा है, वो जो सीज हो चुका है, आप उसको मिनिमम 12 महीने तक यूज नहीं कर पा रहे हो। ऐसा आपका अंदाजा है कि 12 महीने तक तो ये केस चलेगा सेटल करने में, तो क्या करोगे आप? इसको बोलोगे नॉन करंट असेट। आई बात समझ में कि नहीं? समझ में आई बेटा? अगर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप फ्रीली यूज कर सकते हो तो वो हमेशा आपका करंट असेट। अगर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप यूज नहीं कर पा रहे हो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसको किसी पेमेंट में, किसी असेट के खरीदने में, किसी लायबिलिटी के सेटलमेंट में आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स और मोर पीरियड, तो वो आपका नॉन करंट असेट है। रेस्ट्रिक्शन अगर 2-4 महीने की है तो भी करंट असेट है क्योंकि लिखा हुआ है एटलीस्ट 12 मंथ्स होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? बताइए मुझे, ये पॉइंट समझ में आया? टेल मी गाइस, क्लियरली पॉइंट समझ में आया कि नहीं? We can use that much money only completion of after reporting period and treated as non-current assets. Yes, समझ आया कि नहीं? चलिए, clear हुआ कि नहीं? Clear बेटा? So this was what? This was about current asset. चलो एक बार मेरे साथ साथ current asset की definition बोलो. Current asset means any asset, an entity shall classify an asset as current when it expects to realize or intends to sell or intends to consume in its normal operating cycle. ये पहला point हो गया. दूसरा, it holds the asset primarily for the purpose of trading. यहां क्या याद में आना चाहिए, दिमाग में क्या चलना चाहिए? Investments. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? थर्ड पॉइंट क्या है? इट द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड के एंड के बाद 12 महीने के अंदर अंदर हमें रियलाइज हो जाएगा। मतलब यहां पर बात चल रही है एडवांसेस की, लोन्स की। चौथा पॉइंट, व्हेन द असेट इज अ कैश और कैश इक्विवेलेंट। अगर असेट कैश और कैश इक्विवेलेंट है तो वो हमेशा आपका करंट असेट होगा, अनलेस जब तक वो रेस्ट्रिक्टेड ना हो। अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड, किस चीज के लिए रेस्ट्रिक्टेड? इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल लायबिलिटी। एक्सचेंज वर्ड क्यों बोला गया है? असेट खरीदने के लिए, कि भाई मैंने असेट खरीदा और मैंने कैश दिया, ये एक्सचेंज करना। सो अनलेस इट इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सचेंज और
फॉर यूज टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ पीरियड. अगर वो रेस्ट्रिक्टेड है मिनिमम 12 महीने पीरियड के लिए आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो ऐसे केस में वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका करंट असेट नहीं होगा, वो नॉन करंट असेट होगा. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. आगे लिख रहा है एन एंटिटी शैल क्लासिफाई ऑल अदर असेट्स एज नॉन करंट. इसके अलावा ऊपर अगर किसी भी पॉइंट में ये कोई भी अगर करंट असेट इन चार में से नहीं आ रही है तो आपके लिए वो चीज नॉन करंट होगी. अच्छा, ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब और में है, वो सब और में है. मतलब कोई भी एक पॉइंट अगर सेटिस्फाई होता है तो आपका माना जाएगा करंट असेट है. अगर चारों के चारों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होते तो माना जाएगा कि वो असेट आपकी नॉन करंट असेट है, जिसको आप चेक कर रहे हो कि वो करंट है कि नॉन करंट. ऑपरेटिंग साइकिल, द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एन एंटिटी इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट. व्हेन द एंटिटी इज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल, इट इज अज्यूम्ड टू बी 12 मंथ्स. इस पॉइंट को पढ़ो, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसको पढ़ो, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट, असेट मतलब यहां पर रॉ मटेरियल, फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. आप प्रोसेस करोगे, फिर होल्ड करोगे, फिर बेचोगे, फिर डेटर्स होंगे, उसके बाद उसको कैश मिलेगा, तो कितना टाइम लग गया? हो सकता है आपका 14 मंथ्स का टाइम लग गया, तो 14 मंथ्स का टाइम आपका जो होगा, 14 मंथ्स का जो टाइम होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज योर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. अंडरस्टूड? अगर आप नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, When the entity normal operating cycle is not identifiable, अगर entity को लगता है यार कभी मेरा 6 महीने हो जाता है, कभी मेरा 9 महीने होता है, कभी मेरा 12 महीने हो रहा है, क्या मेरे साथ मजाक चल रहा है, एक काम करता हूं मैं 12 महीने मानता हूं, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा मेरा बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कभी साला 6 महीने का होता है, कभी साला 12 महीने का होता है, कभी 9 महीने का होता है, मैं इसको 12 महीने का मान लेता हूं, सिंपल. आई बात समझ में? क्लियर? करंट लायबिलिटी को पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल करवाना चाहता हूं मैं. करंट लायबिलिटी को पढ़ने से पहले आपसे मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाह रहा हूं, पर उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आइए, एग्जाम्पल नंबर वन जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर है और करंट असेट के ऊपर है. एच लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोटस वाइन. आपको मैंने एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिया कि जो लिकर बेस्ड कंपनीज होती हैं, जरूरी नहीं कि उनका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 4-6 महीने 10 महीने का हो, उनका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा भी हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस वाइन टेक्स अराउंड 18 मंथ्स. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने में 18 महीने लग जाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको बेचो, बेचने के बाद पैसा रियलाइज करो, भैया हो सकता है 2 साल भी लग सकते हैं. ड्यू टू दिस रीजन एच लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरिंग इट्स ऑपरेटिंग साइकिल एज 18 मंथ्स. इसने बोला कि यार क्योंकि हमें वाइन को मैन्युफैक्चर करने में 18 महीने लग जाते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करके उसको होल्ड करना, उसको सेल कंडीशन पर लाके रखना 18 महीने लग जाते हैं. मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको स्टोर करके रखना और फिर उसको बेचने की कंडीशन पे लाना, इट टेक्स 18 मंथ्स. तो उसने बोला कि हम अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल को 18 मंथ्स मान रहे हैं. अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड द रॉ मटेरियल एंड हेल्ड इन स्टॉक फॉर लेस देन 18 मंथ्स एज करंट. और वो बोल रहा है कि क्योंकि हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है, तो हम अपने वो सारे रॉ मटेरियल जो हमने 18 मंथ्स पीरियड से कम पीरियड के लिए रखे हुए हैं, हमारा इंटेंशन है कि हम उसको विद इन 18 मंथ्स बेच देंगे, तो हमने उनको करंट असेट माना है. कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डिसीजन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द असेट बाय एच लिमिटेड एज पर द शेड्यूल 3. बताइए कि पहली बात तो जो 18 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल माना गया है वो सही है कि नहीं, और जो रॉ मटेरियल को 18 मंथ्स के अंदर अंदर इंटेंशन है होल्ड करने का, सेल करने का, कंज्यूम करने का, तो उसको करंट असेट माना है, तो वो ठीक है कि नहीं. तो यहां पर हम कमेंट क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में लिखी जाएगी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन. सर क्या लिखी जाएगी? वॉल्यूम 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 वॉल्यूम. सर वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम तो आ रहा है यार प्रॉपरली.
तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी कि सर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि सर अ टाइम गैप बिटवीन क्या था, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू प्रोसेसिंग एंड रियलाइजेशन इनटू कैश। इफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइबल देन इट विल बी ट्रीटेड एज 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, अब इसके बाद लिखी जाएगी करंट असेट की डेफिनेशन। करंट असेट की डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स आते हैं। अब क्या यहां पर वो चौथा वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछ रहा है क्या? नहीं। यहां पर वो क्या इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है क्या, होल्ड फॉर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग? नहीं। यहां पर वो जो पहला पॉइंट है एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज इंटेंट्स टू सेल इंटेंट्स टू कंज्यूम विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वो वाला पॉइंट लिखा जाएगा। और यहां पर हम बोलेंगे कि क्योंकि इंटेंशन है उसको 18 मंथ्स में कंजम्पशन करने का, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा करंट असेट हुआ। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले वो क्या कर रहा है, एज पर द शेड्यूल थ्री कंपनीज एक्ट 2013, वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन असेट एज करंट इज दैट असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। फर्दर शेड्यूल थ्री डिफाइन्स दैट ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाउएवर इफ इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल इट इज अज्यूम टू बी 12 मंथ्स। कंक्लूजन क्या लिख रहा है? अब देखो उसने आंसर को दो हिस्सों में तोड़ दिया। सबसे पहले उसने आंसर को दो हिस्सों में तोड़ दिया। सर कौन से दो हिस्से? एनालिसिस ऑफ द केस एंड रिलेटेड प्रोविजन। कभी भी अगर आप कभी भी कोई केस स्टडी बेस्ड आंसर लिखते हो तो आप उस पर्टिकुलर आंसर को दो या तीन हिस्सों में तोड़ते हो। सबसे पहले आप लिखते हो उसका रिलेटेड प्रोविजन। रिलेटेड प्रोविजन में क्या आता है? रिलेटेड प्रोविजन में मतलब आपने लिख दिया भाई, आपने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल को डिफाइन किया, आपने करंट असेट को डिफाइन किया, ये सब। फिर उसका आता है एनालिसिस ऑफ केस। जो केस हमें दिया गया है, जो क्वेश्चन में केस दिया गया है, उसके बारे में उसके उसकी उसकी समरी को डिस्कस करना। समरी डिस्कशन, समरी डिस्कशन, डिस्कशन। और फाइनल उसके बाद उसका कंक्लूजन देना कि बॉस अगर रिलेटेड प्रोविजन को देखें और आप अपने केस स्टडी को देखो तो कहीं ना कहीं हमारा कंक्लूजन ये बनता है कि ये करंट असेट ठीक है, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने ठीक है। तो बेसिकली आपका जो आंसर होना चाहिए वो या तो दो या तीन पार्ट में होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन दो पार्ट्स को एक जैसा कर एक इकट्ठा साथ में कर दिया और उन्होंने कंक्लूजन दे दिया। समझ आई मेरी बात? सर सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे ही लिखने चाहिए? बिल्कुल, जो भी केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि भाई 18 महीने के अंदर अंदर वो ऐसा कर रहा है, बताइए कमेंट करके बताइए ये सही कर रहा है कि नहीं, तो आप ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आएंगे। ठीक है, क्या लिखा है? एज पर द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोटस वाइन्स टेक्स अराउंड 18 मंथ्स, देयरफॉर इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी डन ओनली व्हेन इट इज रेडी फॉर सेल आफ्टर 18 मंथ्स। दिस मीन्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट इज 18 मंथ्स, देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट दैट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट इज 18 मंथ्स एंड नॉट 12 मंथ्स इज करेक्ट। कंपनी सही कह रही है, कंपनी का जो इंटेंशन है वो सही है कि हाँ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली वो करंट असेट मानेगी अपने रॉ मटेरियल को, तो वो सही बोल रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये केस स्टडी में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई डाउट? केस स्टडी में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, केस स्टडीज पढ़ना, पहली बार में पढ़ना जरूरी नहीं कि आपको सब समझ में आ जाए। आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि हाँ किस तरीके से आंसर को फ्रेम किया गया है। धीरे धीरे बाय द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता जाएगा कि अच्छा इस तरीके से आंसर फ्रेम किया जाता है। जब मैं आपको एएस करवाऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाऊंगा, उस टाइम पे रियली मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना होता है, कैसे क्या करना होता है। वैसे भी अगर देखें तो अकाउंट्स के पेपर में हार्डली 5 से 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे पेपर में, 5 से 6 मार्क्स का।
तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बट वो मेहनत बाद में करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी कर लेंगे, अभी उसको भूल भी जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। उसको अपन एएस के टाइम पे ज्यादा अच्छे से मेहनत करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लास्ट लास्ट में याद भी रहेगा। ठीक है, सर ये आंसर रजिस्टर में लिखना है? नहीं, ये आंसर आपको रजिस्टर में नहीं लिखना है। यहां जो जो आंसर लिखे हुए हैं वो आपको रजिस्टर में नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी, अब आते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी लाइबिलिटी लाइबिलिटी, एन एंटिटी शैल क्लासिफाई अ लाइबिलिटी एज करंट व्हेन। मुझे ना आपसे पॉइंट नंबर ए बी सी, ये तीन पॉइंट समझने हैं। मुझे बताइए पॉइंट नंबर ए बी सी पढ़ के क्या आपको लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट आपके करंट लायबिलिटी में थे। एक बार आप प्लीज पढ़िए पॉइंट नंबर ए बी सी, प्लीज गाइस पॉइंट नंबर ए बी सी पढ़िए पहले। ओके, पॉइंट नंबर ए बी सी सेम है। ऊपर पहले पॉइंट में था एक्सपेक्ट टू रियलाइज, यहां एक्सपेक्ट टू सेटल द लाइबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। पहले पॉइंट में था एक्सपेक्ट टू रियलाइज, इंटेंट टू कंज्यूम, इंटेंट टू सेल। अब ये इंटेंट टू कंज्यूम और सेल हटा दिया, क्योंकि उसका कुछ उल्टा हो नहीं सकता ना। सेल है क्योंकि इन्वेंट्री है, अब लाइबिलिटी के केस में कोई इन्वेंट्री तो हो गई नहीं, तो इसलिए यहां पर सिर्फ बोल दिया एक्सपेक्ट टू सेटल। ऊपर था एक्सपेक्ट टू रियलाइज, यहां आ गया एक्सपेक्ट टू सेटल। दूसरा, होल्ड्स द लाइबिलिटी प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। सर लाइबिलिटी कैसे ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो गई? सर कुछ भी बोलते हो सर आप, मतलब फालतू पढ़ा रहे हो सर। नहीं, ध्यान से पढ़ो इसको। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो करना,
नहीं, मनी बोरो करना है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं. सी प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. सबसे पहले तो इसमें दो एग्जांपल्स आ सकते हैं. पहला यस, जहां आपने एक वर्किंग कैपिटल लोन लिया है. सर ये वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है? वर्किंग कैपिटल लोन मतलब आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस के जो नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस करने के लिए आप एक लोन ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल लोन. ठीक है ना, ओडीसीसी टाइप बोलते हैं उसको, ओडी ओवरड्राफ्ट लिमिट, सीसी कैश क्रेडिट लिमिट, वर्किंग कैपिटल लोन. वो शॉर्ट टर्म लोन होता है आपका. वो लोन आप सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल डेली बेसिस के खर्चे करने के लिए ले रहे हो, तो वो हो सकता है बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस. दूसरा, दूसरा इसमें अगेन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आते होंगे. सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे आते होंगे? मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने निफ्टी में पैसा लगाया, मैंने निफ्टी में पैसा लगाया. मान लीजिए आज निफ्टी में मैंने पैसा लगाया और निफ्टी है आज 12,100 पॉइंट्स पर. निफ्टी में पैसा लगाया मैंने 12,100 और मैंने बोला कि निफ्टी विल इंक्रीज इन टू मंथ्स. मैंने दो महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट कि निफ्टी 12 महीने दो महीने में इंक्रीज होगा. ठीक है ना, टुडे फॉर एग्जांपल 1st January और टू मंथ्स, 1st January नहीं मान लो 1st March और टू मंथ्स मतलब 1st May, 1st March 1st May. मान लीजिए अब यहां पर 31st March मेरी बैलेंस शीट आती है, 31st March मेरी बैलेंस शीट आती है. यहां मैंने चेक किया कि निफ्टी कितना है, मैंने देखा निफ्टी तो बॉस 11,800 अंक पर है. मतलब यहां तो हालत खराब चल रही है. निफ्टी में मैंने जब पैसे लगाए थे तो 12,100 रुपए पर, 12,100 पॉइंट पर था. अब निफ्टी फिसल के 11,800 पे आ गया है. मतलब मैं हार रहा हूं. मैंने निफ्टी में पैसा लगाया ये सोच के कि निफ्टी बढ़ेगा, पर मैं तो निफ्टी में हार रहा हूं. मैं अनफेवरेबल सिचुएशन पर खड़ा हूं, अनफेवरेबल पोजीशन पे खड़ा हूं. मेरी आज पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, मेरी पोजीशन अनफेवरेबल है. मुझे पैसा देना पड़ सकता है. आई बात समझ में कि नहीं? मुझे पैसा देना पड़ सकता है. तो यहां मेरे के लिए क्या होगा? अनफेवरेबल पोजीशन है मतलब मुझे पैसा देना पड़ सकता है, मतलब मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी. और विद इन कितने महीने में? विद इन 1 month में. विद इन मंथ मतलब मार्च से 30 अप्रैल के बाद 1 मई जब आएगा मुझे उसको सेटल करना पड़ सकता है. आज की पोजीशन लग रही है कि मेरे को हार रहा हूं तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे विद इन 1 month. तो इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस. अब ये मैं करता रहता हूं, मैं निफ्टी में पैसा लगाता रहता हूं, कहीं पर मैं जीत रहा हूं कहीं पर मैं हार रहा हूं, कहीं पर मैं जीत रहा हूं कहीं पर मैं हार रहा हूं. तो यहां पर मान लीजिए मेरा ऑपरेटिव मतलब क्या बोलते हैं होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग है. मैं इसकी ट्रेडिंग करता रहता हूं और मैं अगर हार रहा हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लायबिलिटी. आई बात समझ में? क्लियर. तीसरा, लायबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. ये सेम पॉइंट वही जो असेट में था. असेट एंटिटी एक्सपेक्ट टू रियलाइज within normal operating within 12 months. यहां expects to settle within 12 months. important है point number D. और point number D को अगर पढ़ना हो ना तो आप इस point को काट भी दोगे तो चलेगा. सिर्फ आप इतना पोर्शन पढ़िए, सिर्फ इतना पोर्शन पढ़िए. इट डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. डिफर मतलब पोस्टपोन. हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि जो लायबिलिटी हमें सेटल करनी है हम उसको पोस्टपोन कर दें मिनिमम 12 महीने के लिए. अगर एक लायबिलिटी सेटल होने वाली है
अगर एक liability सेटल होने वाली है विद इन 12 मंथ्स में, तो मुझे उसको सेटल करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास और कोई राइट नहीं है कि मैं इसको डिफर कर दूं, मतलब पोस्टपोन कर दूं, वो भी कम से कम 12 महीने के लिए पोस्टपोन कर दूं। अगर ऐसा मेरे पास अधिकार है तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी मेरी नॉन करंट है। पर अगर मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, मुझे तो इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता, मैं तो उसको पे करना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। सर नहीं समझ में आया, सही बात है, कैसे समझ में आएगा, एक बार में समझ में आएगा ही नहीं, इसके लिए मुझे आपको बार बार समझाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इसको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। सर आपने लिया एक लोन 10 लाख रुपए का, सर आपने ये लोन लिया 1st of April 2021 में, आपने लोन लिया, लोन टेकन फॉर 10 ईयर्स। 2 मिनट के लिए इंटरेस्ट को भूल जाइए, मैं बात इंटरेस्ट की नहीं कर रहा हूं, आपने लोन लिया, ठीक है, आपने लोन लिया। अब टर्म्स क्या थी, टर्म्स मतलब कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन, रीपे 1 लाख एवरी ईयर एंड। आपको ये 1 लाख रुपीज रीपेमेंट करना पड़ेगा हर साल के एंड में, आपको हर साल के एंड में 1 लाख रुपीज रीपे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज रीपे करना पड़ेगा हर साल के एंड में। आई बात समझ में, आपको 1 लाख रुपीज हर साल के एंड में रीपे करना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपके 10 साल है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। आपने यहां पर 10 लाख का लोन लिया, सर ये रीपे कब करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा आपको यहां पर 1 लाख, यहां पर 1 लाख। आई मेरी बात समझ में, जब आपने लोन लिया तो आपके बैलेंस शीट में लोन दिख रहा है 10 लाख रुपीज का, बैलेंस शीट में लोन दिख रहा है 10 लाख रुपीज का, पर मुझे एक बात बताइए, इस 10 लाख में से जो 1 लाख रुपीज है, इस 10 लाख रुपीज में से जो 1 लाख रुपीज है, वो आपको कितने महीने में रीपे करना है, वो आपको 12 महीने के अंदर अंदर रीपे करना है। मेरे बच्चे आपने 10 लाख का लोन लिया, टोटल लोन 10 साल का है, पर उसमें से जो 1 लाख रुपीज जो पहली इंस्टॉलमेंट है, उसको आपको पे कब तक करना है, आपको विद इन 12 मंथ पे करना है। क्या आप इस 1 लाख को पोस्टपोन कर सकते हो, क्या बैंक ने आपको कोई अधिकार दिया है कि चलो ठीक है ना, तुम तो हमारे दामाद हो, तुम तो हमारे घर के बंदे हो, तुम तो इसको बाद में भी पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या तुम घर के, क्या तुम बैंक वालों के दामाद हो, नहीं, तो तुम्हें ये 1 लाख क्या बाद में भी पे करोगे तो चलेगा, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बैंक तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, मतलब ये 1 लाख को मुझे डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंटिटी डज नॉट हैव, इसको पढ़ो क्या लिखा है, एंटिटी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करना ही पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन दिस 1 लाख, इसमें से 1 लाख और बाकी का लोन 9 लाख विल बी ट्रीटेड सेपरेटली। ये जो लोन होगा ये करंट होगा और ये जो लोन होगा ये नॉन करंट होगा, क्योंकि बाकी का 9 लाख रुपए मुझे 12 महीने बाद पे करना है, पर 1 लाख रुपीज मुझे विद इन 12 मंथ्स पे करना है। आई मेरी बात समझ में, गाइस कितना समझ में आया आप प्लीज मुझे बताइए। अगर एंटिटी को कोई लायबिलिटी सेटल करनी है और वो लायबिलिटी सेटल करनी है, उसके लिए एंटिटी के पास कोई और चॉइस नहीं है, उसको सेटल करनी ही पड़ेगी विद इन 12 मंथ्स में, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, दैट मींस वो लायबिलिटी करंट में आएगी। पर अगर एंटिटी के पास अधिकार है कि वो उसको डिफर कर सकती है, वो उसको पोस्टपोन कर सकती है, और 2-4 महीने के लिए नहीं, 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए वो पोस्टपोन कर सकती है, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के ज्यादा पीरियड के लिए, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए वो नॉन करंट है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं,
तभी आपने पढ़ा होगा जो लास्ट लेक्चर आप में मैंने लिया था, उसमें था एक पॉइंट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जब मैं बैलेंस शीट के पॉइंट समझा रहा था आपको, तो उसमें करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आ रहा था कि मतलब लॉन्ग टर्म लोन है उसमें से जो विद इन 12 मंथ पे होने वाला है उसको हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जिसको हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? दीपांशु, सारे बच्चे जवाब दे बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, क्लियर है बेटा कि नहीं? एन एंटिटी शैल क्लासिफाई ऑल अदर लाइब्रेरीज एज नॉन करंट, बाकी सारी लाइब्रेरीज क्या मानी जाएंगी? नॉन करंट। सो गाइज, आज हमने करंट असेट और करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी। मुझे बताइए आपको समझ आया? हो सकता है ये डेफिनेशन आपके 12th कॉमर्स वाले में भी होगी, 11th या 12th में होगी, बीकॉम में भी होगी, बट मुझे लगता है इतना डीप में तो नहीं पढ़ा होगा हमने, इतना डीप में उसको हमने डिस्क्राइब नहीं किया। आप में से मुझे लोग आप लोग बताएं कि क्या ये डेफिनेशन आपके 11th 12th बीकॉम में कहीं थी? मुझे लगता है शायद होगी, बट क्या हमने इतना डीप में पहले कभी पढ़ा? मुझे नहीं लगता हमने इतना डीप में पहले कभी पढ़ा होगा, ऑब्वियसली नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए, इसी के साथ हमने कवर अप कर लिया। अब मुझे यह बताइए हमारा कौन कौन सा पोर्शन बचा हुआ है, मुझे यह बताइए क्या क्या चीजें बची हुई हैं शेड्यूल थ्री में, ताकि मैं उसको अगली क्लास में खत्म कर दूं, वाइंड अप कर दूं। मुझे यह बताइए, अब जितनी भी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं शेड्यूल थ्री की, कौन कौन सा पोर्शन, कितना कितना पोर्शन बचा हुआ है? क्या मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिस्कस करवा लिया था क्या लास्ट क्लासेस में, जो लास्ट प्रीवियस क्लासेस हुई थी क्लास नंबर 6th और 7th, क्या उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह डिस्कस कर लिया था क्या? अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पेक्ट में जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या ये सब डिस्कस हो चुके थे कि ये डिस्कस होने वाले हैं? मतलब मुझे एक बार प्लीज मुझे देख के बताइए कि क्या क्या पोर्शन अभी भी बचा हुआ है क्वेश्चंस को छोड़कर। क्वेश्चंस तो मुझे लगता है बचे हुए हैं, क्वेश्चंस आई थिंक बचे हुए हैं, बाकी मुझे बताइए कि कौन कौन सा पोर्शन बचा हुआ है। नो सर, टोटल एक्सपेंस तक ही हुआ। नो सर, सर एक्सपेंस तक हुआ था। अच्छा, एक्सपेंस तक हुआ था, मतलब आपका कहना है कि यहां तक हुआ था, ये वाला पोर्शन हो गया था टोटल एक्सपेंस वाला पोर्शन, राइट? यहां तक पोर्शन हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। 3, 4, 5 क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, वेरी गुड, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका है क्या एफसीसीबी वाला? ये एफसीसीबी वाला क्वेश्चन हो चुका है क्या? और 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका है क्या? थ्री फोर फाइव क्वेश्चन हो गए हैं अंशिका गुप्ता, 3, 4, 5 हो गए हैं, तो ठीक है, मैं समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का आधा पार्ट हो चुका है, बाकी आधा पार्ट बचा हुआ है और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम अगली क्लास में शेड्यूल थ्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। अगली क्लास में हमारा शेड्यूल थ्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप ब्रेक ले लें, आप लंच ब्रेक ले लें, आप कुछ खा पी लो, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ताकि आप अपनी 2 बजे की क्लास को अच्छे से कर पाओ। कुछ दिनों बाद विशाल सर जीएसटी की क्लास शुरू करने वाले हैं। टेंटेटिवली जैसे ही मैं अपना एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, ये जो मैं शेड्यूल थ्री के बाद एक और चैप्टर आपको करवाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन,
विशाल सर मुझे कह रहे थे कि मैं भी क्लास लेना चाह रहा हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना चाहता हूँ। हम भी सोच रहे थे कि हमारे सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, सिर्फ विशाल सर का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो टेंटेटिवली 10 या 12 तारीख के आसपास विशाल सर मेरे टाइम पे आएंगे क्लास लेने, ठीक है ना? तो सर फिर आपका टाइम क्या रहेगा? विशाल सर मेरे टाइम पे रहेंगे तो मैं बीच में ब्रेक लूंगा, ठीक है? मैं बीच में ब्रेक लूंगा, और जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ऑलरेडी परचेज की हुई हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस परचेज की हैं, तो वो तो मेरी क्लासेस साथ साथ कंटिन्यू देखते जाएं, उनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगी। इन द मीनवाइल अगर मुझे लगा कि मुझे सेपरेटली टाइम रखने की जरूरत है, तो मैं फिर विजय सर के टाइम के बाद रखूंगा। जैसा भी हुआ मैं आपको बता दूंगा जब से विशाल सर आएंगे। तो सर आपका टेलीग्राम किस नाम से है नोट्स के लिए? बेटा मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, सीए जय चावला, सीए जय चावला, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ मैं ही मैसेज डाल सकता हूं, तो इसमें डिस्टरबेंस नहीं होता। इसके अलावा एक ग्रुप है, ग्रुप का लिंक मैं इस चैनल में डाल दूंगा, तो वो आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।